हम रमजान के महीने में, पूरे रमजान के महीने में क्या ये एक बार दुआ करें ये जेलों में जो मुसलमान बच्चे हैं उनके लिए पूरे रमजान में दुआ किए? मैं पूछना चाहता हूं, एनआरसीसी या एजिटेशन में कैसे कैसे बच्चे जेलों में है मालूम है आपको? आईआईटी में पढ़कर बाहर आए इंजीनियर्स जेलों में है, महीना पगार उसका 13 लाख रुपया, 12 लाख रुपया पगार था, ये कौम के लिए कुर्बान होकर जेलों में है वो बच्चे, क्या हमें पूरे रमजान में एक बार उनके लिए दुआ करें? अल्लाह हमें कहां से मदद करेगा? अल्लाह की मदद कहां से आएगी? कौन हमें मदद करेगा? वो बच्चे एनआरसीसी या एजुकेशन ये देश का कोई बड़ा उलेमा आकर शुरू नहीं किए, एनआरसीसी एजुकेशन ये देश का कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर आके शुरू नहीं किया, एनआरसीसी एजुकेशन कौन शुरू किए? जब हमारी सिटीजनशिप हमारे हाथ से छीनने की जो साजिश चल रही थी उस वक्त पर कौन आकर मैदान में उतरे? वो कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले वो बच्चे आए, उसके वजह से 2000 बच्चों के ऊपर केस हुआ, आज भी तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चे आतंकवादी के नाम पर जेलों में है। हाल ही में दिल्ली में एक बच्चे को मैं मिलकर आया, दिल्ली में एक लड़के को मैं मिलकर आया, तकरीबन 3 महीना जेल में था, 3 महीने में 2 महीने जो सेल में था उधर रोशनी तक नहीं थी उस सेल में, किसके लिए गया उन्हें जेल को? तुम्हारी लिए गया उन्हें जेल को, और उसको मालूम है दुनिया के 13 कंट्रीज से उसको वीजा है, सिटीजनशिप है उसके पास दुनिया के 13 कंट्रीज में, दुनिया के टॉप 12 कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज का उसके पास जो है एडमिशन उसके पास उसके टेबल में पड़ा है, वो छोड़कर इस कौम के लिए जेल को गया उन्हें। क्या पूरे रमजान में एक बार हम दुआ करें उसके लिए? पूरे रमजान में दुआ किए, कौन आकर मदद करेगा? कौन आकर लड़ेगा आपके लिए? Who will be there to fight for you?